ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन में योगी सरकार दिखाई दे रही है। पेपर लीक करने वालों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। जी हां, और अब तक कुल 17 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। और अब इंग्लिश का पेपर दोबारा से 13 अप्रैल को होगा और 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे से पेपर होगा। प्रदेश के 24 जिलों में रद्द हुआ था पेपर और देखिए इस पर एक्शन लिया जा रहा है। एनएसए लगेगा उन तमाम लोगों पर जो दोषी पाए जाएंगे इस पूरे मामले में। और अगली तारीख भी आ चुकी है कि अब ये इंग्लिश का पेपर कब होगा, तो आपको जानकारी दे दे 13 तारीख को यानी कि 13 अप्रैल को ये पेपर होगा। और पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और वहीं पेपर लीक कांड पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का बयान भी सामने आ चुका है। नकल विहीन परीक्षा के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है। पेपर लीक मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सभी पर कार्यवाही होगी। दोषियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखेंगे। बड़ी जानकारी है। और देखिए, नकल विहीन परीक्षा के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा पेपर लीक मामले में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। दोषियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, ये कहा गया। जो भी दोषी है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।